सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुझे थोड़ी बहुत जो राजनीति समझती है, इसके मुताबिक मुझे लगता नहीं कि अगले चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगी। पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत की तारीफ की और चुनावों में कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई। शरद पवार ने चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अपने परिवार में किसी तरह के विवाद से भी इनकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत गांधी जी का सपना था। उनकी सरकार के साथ देश की जनशक्ति इस सपने को पूरा करने में जुटी है। दांडी मार्च के 89 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस पर गांधी के विचार भुलाने का आरोप लगाया। पीएम ने लिखा, कांग्रेस की संस्कृति गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्याय है। हर क्षेत्र में उसका घोटाला दिखता है। गांधी को असमानता नामंजूर थी। कांग्रेस ने जाति विभाजन में संकोच नहीं किया। कांग्रेस ने बापू की शिक्षा के उलट बैंक खाते भरे और सुख सुविधा का जीवन अपनाया। बापू वंशवादी राजनीति के खिलाफ थे, लेकिन डायनेस्टी फर्स्ट कांग्रेस का मूल मंत्र है। पीएम ने कांग्रेस राज में राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का जिक्र करके कहा कि कांग्रेस की लोकतंत्र में कभी आस्था थी ही नहीं। आजादी में जिन्होंने नेतृत्व किया वो महात्मा गांधी और ये गांधी दो अलग गांधी है, और इसलिए वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये झूठ के रास्ते पर चलते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरे 58 साल बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। बैठक अहमदाबाद के सरदार स्मारक में हुई। बैठक में बतौर कांग्रेस महासचिव पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। इसके बाद गांधीनगर की सभा में प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी और बीजेपी से कई सवाल पूछे। जो 2 करोड़ रोजगार जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? प्रियंका ने बीजेपी पर देश को मूल मुद्दों से भटकाने और सेना के शौर्य पर सियासत करने का भी आरोप लगाया। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आगे आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस में शामिल हो गए। हार्दिक को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस जाति कार्ड खेल रही है जो फिर बेकार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीरो पे आउट हो जाएगी कांग्रेस गुजरात में। 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी जीतेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि पार्टी किसी भी राज्य में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं महाराष्ट्र में दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। मायावती एक बुद्धिशाली व्यक्ति है, पहले स्कूल टीचर भी रही है, और उसको पता है कि जैसे बीएसपी बड़ा होते गया कांग्रेस छोटा होते गया। कांग्रेस का पास कुछ है ही नहीं, तो कांग्रेस को क्यों जिंदा करें? चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने का भी सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गए। सुजय को बीजेपी अहमदनगर से उम्मीदवार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद यह फैसला बहुत दिनों से मेरे मन में था, आज मैं ले पाया तो मेरा मन हल्का हो गया। सीएम साहब ने कहा है कि मोदी साहब और उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला लेगी दिल्ली में, तो उनका फैसला जो रहेगा उसको आगे मान के चलेंगे। वहीं गुजरात में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी। जामनगर के विधायक वल्लभ धारवरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में 4 दिनों में 3 और अब तक कुल 5 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के अब 71 विधायक रह गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के बोलपुर से टीएमसी सांसद अनुपम हाजरा आज बीजेपी में शामिल हो गए। हबीबपुर से सीपीएम के विधायक खगेन मुर्मू और बागदा से कांग्रेस विधायक दुलाल चंद्र बर भी बीजेपी में आ गए। कोई भी पार्टी आए लेकिन टीएमसी ना आए, तो जब कॉमनर मतलब जो साधारण लोग वो लोग जब फेड अप हो जाते, दिस इज एन इंडिकेशन कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
दल बदल यूपी में भी हुआ। समाजवादी पार्टी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल के कई पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों ने आज लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। आज उत्तर प्रदेश वासी भी तय करके बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पिछली बार तो 73 दिया, इस बार 80 की 80 सीट आपको देकर देश की राजनीति आपको। इस बीच ओडिशा के सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने आज ऐलान किया कि पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में सीबीडीटी के अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक, वित्तीय अन्वेषण यूनिट के प्रमुख शामिल हैं। इस कमेटी की पहली बैठक 15 मार्च को बुलाई गई है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ के महानिदेशकों के अलावा नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के निदेशक आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कमेटी का मकसद चुनावों में अवैध पैसों के लेनदेन पर रोक लगाना है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने से रोका जा सके। कमेटी का फोकस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पर रहेगा।